अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी गुलगुले बनाने की इंस्टेंट रेसिपी। और ये गुलगुले जो ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि गुलगुले किस तरह से बनाए जाते हैं या गुलगुले किसे कहते हैं। आप इस रेसिपी को देखें, इसको फॉलो करें और बहुत ही मज़ेदार से गुलगुले घर पर बनाएं। ये देखें, यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप आटा। ये बिल्कुल नॉर्मल आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, वही लेना है आपको। मैदा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, गेहूं का आटा इस्तेमाल करना है। 2 कप आटे के लिए मैंने उसमें ऐड किया है 1/2 कप चीनी। ये आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। फ्लेवर के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। वैसे जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मार्केट में मिलते हैं आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑथेंटिक टेस्ट आएगा वो इलायची पाउडर से ही आएगा, तो यह आपकी अपनी चॉइस है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें डाली गई हैं इसमें, जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होती है। कोई स्पेशल चीज़ इसमें आपने नहीं डालना है। पानी आपको एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और थिक सा पेस्ट बना लें। यहाँ पर देखें, मैंने इसका एक थिक सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये जो आटा है थोड़ा सा फूल जाए और जो इसमें हमने शुगर ऐड की है वो मेल्ट हो जाए। और जब शुगर मेल्ट होगी तो ये जो पेस्ट है ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, इसीलिए आपने पहले से इसे पतला नहीं करना है। यहाँ पर देखें, 20 मिनट के बाद ये जो आटा है ये थोड़ा सा पतला हो गया है। और नॉर्मली जो गुलगुले बनाए जाते हैं उसका आटा पूरी रात भर के लिए भिगो के रखा जाता है, जिसकी वजह से वो आटा अपने आप ही फूलता है। लेकिन यहाँ पर हम इंस्टेंट गुलगुले बना रहे हैं, तो इस आटे को फुलाने के लिए इसमें हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस आटे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें एयर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, ये जो आटा है आपका बिल्कुल फ्लफी सा होना चाहिए। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको यहाँ पर आटे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने में, और इसका जो कलर है वो भी थोड़ा सा फेड हो जाएगा और आप देखेंगे कि ये जो आटा है ये बिल्कुल फ्लफी सा हो जाएगा। तो उसकी वजह से जब आप इसके गुलगुले बनाएंगे तो वो गुलगुले भी आपके बहुत ही सॉफ्ट से बनेंगे। अब देखें, यहाँ पर हमारा जो गुलगुले बनाने का आटा है वो अब बिल्कुल रेडी है। अब आप इसके गुलगुले बना सकते हैं। तो इस तरह से हाथों पे आपको थोड़ा सा आटा लेना है और उसको ऑयल में डालते जाना है। ऑयल को यहाँ पर मैंने मीडियम सा गर्म किया है और जो आपकी फ्लेम है वो लो टू मीडियम पर रहेगी, ताकि ये जो गुलगुले हैं वो अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हों। गुलगुले ऑयल में डालने के बाद आपको इसे फौरन नहीं पलटना है। जब ये थोड़े से फ्राई होंगे तो ये अपने आप ही ऊपर आने लगते हैं, तो उसके बाद आप इसे पलटिए। और इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर रखते हुए आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसका कलर अच्छे से गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे गुलगुले ऊपर आते जाएंगे ये अपने आप ही पलटते जाते हैं और ये जो शेप है इनका ये भी गोल हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। अब इसे पलटते हुए हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और यहाँ पर आप देखें, 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको अच्छे से फ्राई होने में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखें। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से गुठलियाँ बन जाएगी, अंदर से अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। ये देखें, बहुत अच्छा सा इन पर कलर आ गया है। तो इन गुलगुलों को हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के सारे गुलगुले आपने फ्राई कर लेने हैं। ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इवन बड़े भी इसे बड़े शौक से खाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।